Hey guys, what is up and welcome back to another reaction video. तैयार इस गाने का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पता होगा किस गाने का सही है. इस गाने की बात हो रही है. इस गाने का बहुत ही ज़्यादा वेट था, मुझे भी सही है और आई होप आप लोगों की भी होगा. तो हनी सिंह का गाना है अल्फाज के साथ. जिनको पता है उनको पता है भाई, हनी सिंह एक्स अल्फाज भाई. तो ये ओजी गैंग से, ये बहुत पुराना सीन. तो उनका अगेन एक गाना है टेल मी वंस, गाने का नाम है, वीडियो सॉन्ग है. तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा गाना है और क्या है गाने में. तो लेट्स गो. ओके वो क्या कहते Tell हैं me once. अरे अरे YouTube वालों से सीख रहे हैं. YouTube वाला काम है पहले, छोटा सा. अच्छा, वो जैसे हमने भी कुछ एक दिवड़ी में किया है कमिंग अप. अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लगा. चलो भाई. कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे, दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ ना पावे. कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे, दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ क्यों ना. स्टार्स भाई, अल्फाज भाई का तो वाइब है भाई. अब वही हाय मेरा दिल वाली वाइब. हाँ, हाय मेरा दिल, वही कभी आवे कभी जावे. नाइस नाइस नाइस. वैसी बातें कि बता नहीं ऐसा क्या कर रखा है कि बिना बुलाई आ जाती है यादें. चलो भाई. शौक सीगा दिला बड़ा टुटने दा, रंज वांगू इश्क च आशिक च मुकने दा, होने की ये फायदा लुक 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 लुकने दा, मंजिलों बगैर ये ना राह उते रुकने दा. भाई ये लोग जिसको समझ नहीं आएगी पंजाबी, उसके लिए लगेगा कि अच्छा नॉर्मल है. लोग हनी सिंह के लिए वेट करते हैं रैप के लिए. हाँ. पर लिखता अल्फाज भी बहुत तगड़ा है. अल्फाज की पोएट्री भाई मस्त है भाई. भाई पहली लाइन है इसकी कि तेरे को भी तो शौक था ना. हुँ. दिल बड़ा दिल तोड़वाने का, अब राजे की तरह बनने का, अब क्यों लुकता फिर रहा. जावे समझावे तेनु कौन समझावे, कोई आशिकां दी कबरां ते फुल भी ना पावे. कोई आशिकों की कबरों पे तो फुल भी नहीं पाता था. जावे कदी जावे तेरी सतावे, दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ क्यों ना पावे. कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे, दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ क्यों पावे. वही वही वाइब भी हो गया कि बस दिमाग में बैठ जाएगा. वही वही वैसे जैसे हाय मेरा दिल में तरो रो के ऐसा गुजारता है दिन, हाय मेरा दिल. ऐसे ही कदी आवे कदी जावे तेरी, वही मतलब इतना वाइब वाला कि कान में बैठ जाए बस परमानेंट. ना पावे ना ये तेरे ना यो तेरे दे रह गए आ, केड़िया कमा दे विच बह गए आ. पीके अल्फाज फिर गीत लिखदा, तेरे तो बगैर यो जीना सिखदा. लखावे तू लखावे ओ लिखदा ही जावे, ओ स्पॉटिफाई उत्ते विक विकदा भी जावे. कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे. बहुत ही बेसिक बार्स है. देखी जाए तो बहुत ही बेसिक बार्स है, पर ये चीज मतलब लिखावे में जब लिखी जाती है तो कितनी सही लगती है ना. वो भी अगर याद करो, इधर का ना उधर का रह गया, कड़े वही किस काम में, किस काम में पड़ गया. वही पी के गीत लिखता हूँ और तेरे से वगैरह जीना सीख रहा हूँ. तो वही मतलब बेसिक चीज है, पर लिखने में जब ऊपर से वोकल्स अल्फाज के भाई. वही वही वो वाले सीन है, वो अगर याद हो तो क्या नाम है हाय मेरे दिल में, वो भी बेसिक बात थे. हाय मेरे दिल हाय वैसा वाला, मतलब सिंपल बोलता है लेकिन ऐसा है कि बंदे के माइंड में लाइक लूप पे सेट हो जाता है वाइब वाला. नाइस नाइस.
छे क्यों ना पावे कदी आवे लेट्स गो सतावे छे ना चावे फिर छे क्यों ना पावे मेरा दिल दिल दल दल ते नहीं किते तू दुनिया दे वल ते नहीं आज मेरे नाल कीता प्यार तू किते मुकर तू जाएगी कहते नहीं चलते नहीं किते चलते नहीं मेरा कफन कोई मलमल ते नहीं जिन फुलकारी बना के तू ले ले आ एको गलते नहीं वो तो है और उसके अलावा लोग कुछ लोग बोल देते ना कि हनी सिंह लिरिकल रैप नहीं कर सकता लिरिकल रैप मेरा दिल है दिल अदल दलते नहीं वो देखी सिलेबस कितनी सही की है मेरा कफर कोई मलमल और उसी चीज का ते नहीं वाली बार्स को कितनी जगह जोड़ लिया दल दलते नहीं देवलते नहीं कलते नहीं छलते नहीं मलमलते नहीं देखा लोग कहते ना हनी सिंह वो नहीं कर सकता लिरिकल रैप भाई बहुत लिरिकल कर सकता है बस वाइब होनी चाहिए गाने में चाहिए अबे अभी बीच में लोग कह रहे थे कि हनी सिंह अच्छे गाने नहीं आ रहे स्पोर्ट्स गाड़ी आया जब से लियो के साथ तब से तो भाई अलग ही चीज स्टार्ट होने लग रही है स्पोर्ट्स गाड़ियां हो गया अब ये हो गया यार तेरे लिए होया तबाह गल मेरी तू सुन भी वाह तेरे लिए नितदा होना पर मैं कीता सी पहली दफा दे सजा मैनू भी आंदा है मजा सारे पासे मेरा इश्क मुश्क मारे है फिजा ऊपर से वही मतलब वही हाय मेरा दिल वाली वाइब्स की बस दिल तोड़ गई तो वो वाली बात वाली उसमें भी ऐसा था अल्फाज आया अल्फाज ने पोएट्री की हनी सिंह आया वाइब में मतलब वो यू नो वो तो है बार्स देख रहा है कि तेरे लिए तो रोज रोज का होना है हमारा तो भाई पहला दफा है भाई चलो हो कदी आवे कदी जावे वो स्पोर्ट्स गाड़िया में हनी सिंह ने कह दिया है लियोस ब्रिंगिंग मी बैक और इस गाने से वो वाइब सेट हो ही गई है तो yes. बस अब तो हनी 3.0 एल्बम जो आ रही है वो तो भाई वेट है भाई होगा बस भाई वो पार होगा भाई और भाई हनी भाई यार अल्फाज भाई के साथ थोड़ा यार जल्दी जल्दी कितना है 10-10 साल लगा लेते हो यार जल्दी सिर्फ अल्फाज के साथ ही नहीं पूरे माफिया मुंडे अगर एक साथ मान ले एक ट्रैक पे आ गया जिस दिन रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे ब्रो रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे भाई होंगे बट अगेन दिस सॉन्ग टेल मी वंस अल्फाज भाई के साथ भाई सेम वही ओल्ड वाइब्स ही है वो आए मेरा दिल वाला वाइब्स सेम वाइब्स आई थिंक इस गाने के साथ किया भी इंटेंशनली ऐसे किया है कि सेम वाइब्स दें जैसे था क्योंकि हनी सिंह ने आई थिंक जब टीजर नहीं इंस्टाग्राम पे जब वो किया था अनाउंस किया था कि अनाउंस भी ऐसे किया था कि अल्फाज एक्स हनी सिंह कमिंग बैक मतलब वही वो पूरा इम्प्लीमेंट करने की ट्राई की थी और वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया भाई मज़ा आ गया सुन के अगेन लूप वाला गाना है प्ले लिस्ट में जाएगा भाई प्ले लिस्ट में जाएगा कदी आवे कदी जावे वो वाला सीन तो गुड वन आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना भूलना ही मत हाँ और बाकी हनी सिंह इज बैक मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट वन ओ कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ क्यों ना पावे कदी आवे कदी जावे तेरी याद सतावे दिल छड़ना ता चावे फिर छड़ क्यों ना पावे कदी आवे कदी जावे